श्रीलंका में चीन के राजदूत क्वी जेन होंग 17 दिसंबर 2021 को अचानक राम सेतु या एडम्स ब्रिज के पास पहुंचे। चीनी राजदूत ने भारी सुरक्षा के बीच एडम्स ब्रिज का दौरा किया। एडम्स ब्रिज या राम सेतु उत्तर पश्चिमी श्रीलंका और भारत में दक्षिणी तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के पास स्थित है। श्रीलंका में चीन के राजदूत क्वी जेन होंग तमिल बहुल उत्तरी प्रांत के 2 दिनों के दौरे पर थे। इस दौरान श्रीलंकन आर्मी और नेवी की भारी सुरक्षा के बीच चीनी राजदूत को एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया। चीनी राजदूत एडम्स ब्रिज के उस हिस्से में पहुंचे थे जो श्रीलंका से लगभग 17 मील की दूरी पर है। हाल के दिनों में किसी चीनी राजदूत द्वारा उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की ये पहली यात्रा है। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चट्टानों की एक श्रृंखला है। इसे भारत में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। दुनिया इसे एडम्स ब्रिज या आदम का पुल के नाम से जानती है। चट्टानों से बना राम सेतु या एडम्स ब्रिज 48 किलोमीटर लंबा है और ये मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग करता है। 2005 में भारत ने सेतु समुद्रम परियोजना की घोषणा की थी। इसके तहत राम सेतु या एडम्स ब्रिज के कुछ हिस्से को गहरा कर समुद्री जहाजों के लायक बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ चट्टानों को तोड़ना जरूरी है। फिलहाल जहाजों को केरल की तरफ से तमिलनाडु जाने के लिए श्रीलंका का चक्कर काटना पड़ता है। इस परियोजना के बाद उनका 30 घंटे और 650 किलोमीटर का सफर बच जाएगा। दरअसल भारत का पड़ोसी देश चीन निर्माण और निवेश के बहाने श्रीलंका में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। भारत के कड़े विरोध के बाद चीन ने श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया था। इस हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बेहद करीब है। श्रीलंका ने अपने कई प्रोजेक्ट्स चीन को दे रखे हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पहले भारत को मिलने वाले थे। हालांकि श्रीलंका ने चीन की बजाय भारत से खाद लेने का समझौता किया, लेकिन चीन अभी भी श्रीलंका में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन भारत हमेशा इसका विरोध करता रहता है।